बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑलरेडी कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपने पैसे रखते हैं और वहां से आप लोग प्रॉफिट हासिल करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को कमर्शियल बैंक की जगह जैस कैश का बचत अकाउंट ओपन करना चाहिए, वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में अगर आप लोग बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, यानी आपके पास पैसे हैं और आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हो कोई भी, तो अगर आप बैंक में जाते हो तो वहां पर आपको फादर की वेरिफिकेशन, अपने आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन, उसके बाद में आप लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप लोग शॉपकीपर हो तो फिर आप लोगों के पास अपना जो है वो लेटर पैड होना चाहिए। अगर आप लोग जॉब करते हो तो उसका लेटर पैड होना चाहिए। यानी काफी सारी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपका जो अकाउंट है वो ओपन होता है। उसके बाद में आप वहां पर पैसे रखते हो और वहां पर आप लोगों को उसके ऊपर प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। अगर आप लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन बैंक्स आपको अब तक करीबन 5% टू 5.5 या मैक्सिमम 6% आप लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, जबकि जैस कैश आप लोगों को यहाँ पर 7% तक आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है। दूसरी बेहतरीन चीज यह है कि यहाँ पर आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे ही तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइव आपको मोबाइल पर करके दिखाने वाला हूँ, 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ये इसी तरह से वर्क करता है जैसे आप लोगों का बैंक अकाउंट वर्क करता है। यहाँ से आप लोगों को ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, अपना लोड परचेज कर सकते हो। और सबसे मज़े की चीज़ फ्रेंड्स ये है कि इसमें जो भी आप पैसे रखते हो वो रेगुलरली, अगर आपका जैस कैश का अकाउंट है तो जो पैसे आपने उसमें रखे होते हैं, आप लोगों को स्पेशल पैसे कहीं कन्वर्ट नहीं करने पड़ते हैं। आपके जैस कैश के मोबाइल अकाउंट के अंदर अगर पैसे पड़े हुए हैं तो जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे वो ऑलरेडी उसके अंदर काउंट हो जाएंगे। आप उन्हें जब चाहे विथड्रॉ कर सकते हो, जब चाहे सेंड कर सकते हो किसी को, जब चाहे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पैसे आपने वहाँ पे रख दिए हैं वो फिक्स हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतने पैसे आपके मोबाइल में पड़े होंगे, तो डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट आप लोगों को आपके मोबाइल में ही मिल जाने वाला है। मंथली बेसिस में नहीं मिलेगा बैंक की तरह, 6 माह बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, डेली आपका प्रॉफिट आपको यहां पर मिल जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोगों ने जरूर देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि आप लोग अकाउंट कैसे ओपन करोगे, कैसे उसमें पैसे रखे जाते हैं, कैसे आप वहां से विथड्रॉ करोगे, कैसे आपको डेली प्रॉफिट मिलता है। मैं लाइव इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ओनू अहमद और वेलकम करता हूं मैं आप तमाम भाइयों का आज की इस वीडियो में। तो यार, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर न्यू आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को कर देना है लाइक, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हो तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर देना है। जी फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय पीसी स्क्रीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैस कैश की जो वेबसाइट है उसको मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन है मेरे सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है जैस कैश प्लीज टू इंट्रोड्यूस बचत अकाउंट, यहाँ पर आप सब कुछ रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने 3 प्लान जो इंट्रोड्यूस कराए हैं, पहला है बचत प्लान ए, बी और सी। अगर आपके मोबाइल के अंदर मिनिमम 2500 पड़े हुए हैं तो आप लोग यहां से बचत प्लान ए को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को मिनिमम 5% मिलने वाला है, ये वो है जो रेगुलर बैंकिंग में आप लोगों को मिलता है। उसके बाद में है बचत प्लान बी, यहां पर अगर आपके पास 7500 अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपको कहीं भी डालने नहीं है, सिंपली अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो आप लोग यहां पर बचत प्लान जो है बी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अगर उसके बाद में अगर आपके पास 25,000 या इससे ऊपर पड़े हुए हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो काउंट करेंगे कि यार 15,000 रुपये का आप 7% निकालो तो यार ये प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपने 15,000 रुपये नहीं रखना है, आप बैंक के अंदर कोई 15,000 रुपये रख के प्रॉफिट नहीं लेते हैं। आप जितने पैसे भी बैंक में रखते हैं, आप 1 लाख रखें, 2 लाख रखें, आप 3 लाख रखें, 5 लाख रखें, जितने पैसे भी आप बैंक में रखते हो, जितने पैसे आप अपने जैस कैश की ट्रांजेक्शन में रखते हो। मैं जैस कैश यूज़ करता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे मेरी काफ़ी ज़्यादा जैस कैश की ट्रांजेक्शन है, इसलिए काफ़ी सारे पैसे पड़े होते हैं, तो उस हिसाब से उसका प्रॉफिट जो है वो काउंट होता है। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी आप बैंक में रख सकते हो, कमर्शियल बैंक में रख के अगर आप प्रॉफिट लेते हो तो वही पैसे आप यहाँ पर रख सकते हो, तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो 15,000 या उससे ऊपर अगर आपके पास है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बचत प्लान सी को जो है वो आपने एक्टिवेट करना है।
अब आपने एक्टिवेट कैसे करना है, तो सिंपली आप लोगों ने अपने मोबाइल के डायलर में जाना है, *786 हैश डायल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपके पास जो मेन्यू ओपन होता है उसमें से नंबर 8 के ऊपर आपको मिलेगा सेविंग्स एंड इंश्योरेंस, आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नंबर वन क्लिक करके आपने सब्सक्राइब सेविंग करना है। और उसके बाद आपने अपना जो डिजायर प्लान है उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपने अपना जो एम पिन है, जो आपके भी जैस कैश का एम पिन है, उसको आप लोगों ने एंटर करना है। कन्फर्मेशन SMS आएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट की सबसे मजे की चीज़ यह है कि जितना आसानी से इसको आप ओपन कर सकते हैं उसी आसानी से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपने दोबारा *786 हैश डायल करना है, आप देख सकते हैं। नंबर 8 में जाना है आपने सेविंग्स के अंदर, वहाँ पे नंबर 1 पे सब्सक्राइब था तो नंबर 2 पे अनसब्सक्राइब मिल जाने वाला है। इंटर एम पिन करना है आप लोगों ने और कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो प्लान है वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे से आप लोगों को प्रॉफिट आना खत्म हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, कस्टमर नीड मिनिमम बैलेंस इन मोबाइल, यानी कि जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया है ABC, तो उसका जो मिनिमम बैलेंस यहाँ पे बताया गया है 2500, 7500, 15000, ये मिनिमम आपके मोबाइल में पड़ा होना चाहिए, फिर ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर आप लोगों ने प्लान सी सेलेक्ट किया है और आपके पास 14000 पड़ा हुआ है, तो ये नहीं है कि प्लान बी के हिसाब से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, नहीं, आपको ज़ीरो प्रॉफिट मिलेगा। आप चाहो तो प्लान बी सेलेक्ट कर सकते हो, उस टाइम फिर आपको प्लान बी के हिसाब से मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आपने प्लान सी सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आप लोगों के पास मिनिमम 15000 इसके अंदर होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग रेगुलर बैंक की तरह यहाँ पर भी आप ज़कात कटती है, तो उसको आप लोग कैसे ख़त्म कर सकते हो, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना देने वाला हूँ, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जैस कैश के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप अपना जो ज़कात डिक्लेरेशन है वो आप लोग कर सकते हो। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, कुछ दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तो आप उसको देख के इसके अंदर से ज़कात जो है वो आप उसको भी ख़त्म कर सकते हो। तो अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ और मैं आपको बता लाइव करके भी दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे इस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर सिंपली मैंने डायलर को ओपन कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने डायल करना है *786# और *8 करेंगे तो आप डायरेक्ट उस मेन्यू में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं यहाँ पर हैश करके इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाने वाला है, देख सकते हैं मेन्यू ओपन हो गया और नंबर 8 पे आपको सेविंग्स एंड इंश्योरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नंबर 8 क्लिक कर सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नंबर 1 पे मिल रहा है सब्सक्राइब सेविंग और अनसब्सक्राइब सेविंग। अगर आप लोग अपना अकाउंट ख़त्म करना चाहते हो तो नंबर 2 सेलेक्ट करोगे। अभी हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं तीनों बचत प्लान आपको मिल रहे हैं, उनके साथ जो आप परसेंटेज है 5, 6, 7 वो भी आपको यहाँ पर शो की जा रही है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ से कोई भी जो भी प्लान है 3, 2, 1 कुछ भी उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेंड पर क्लिक कर देना है। ऑलरेडी मेरा प्लान एक सिलेक्टेड है तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद मैं आपने अपना एम पिन एंटर करना है सिंपली और ओके करना। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बचत अकाउंट है वो ओपन हो जाने वाला है। फ्रेंड्स, ये सिंपल सा तरीका है जैस कैश बचत अकाउंट ओपन करने का। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज ओन आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।